हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है कि हम लोग कोई मार्केट से कोई फिश को खरीद के लाते हैं और उसके बाद जब हम उसको टैंक में डालते हैं तो देखते हैं वो फिश जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है दूसरे फिशेस के ऊपर। वो दूसरे फिशेस को कंटिन्यूअसली चेस कर रही है या फिर मेरी दूसरी कोई फिशेस को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है? या फिर अगर आपकी कोई फिश बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसका एग्रेसिव नेचर को कैसे कंट्रोल करना है, तो आज के वीडियो में मैं यही सब चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम लोग कोई फिशेस को परचेज करके लेके आते हैं और वो फिश जो है वो अचानक से अपना अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगती है दूसरे फिशेस के ऊपर, और वो दूसरे फिशेस को बहुत ज्यादा हर्ट करती है या फिर वो लोग को बहुत ज्यादा चेस करती है, जिससे कि दूसरी फिशेस जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो भी फिशेस अग्रेसिव होती है उसका हम लोग नेचर को चेंज नहीं कर सकते, बट हम लोग उसके लिए अपने टैंक में कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि वो फिश का जो एग्रेशन है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले तो आपके टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप कोई सिकलेट टैंक रख रहे हैं या फिर अगर आपके पास कोई पैरेट फिश का टैंक है, तो ये सब जो फिश होती है ये सब थोड़ा एग्रेसिव फिश होती है और ये सब फिश को ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सब फिशेस को खाली एक एम्प्टी टैंक में रखिएगा, वो 100% श्योर है वो एक दूसरे को 100% चेस करेगी और हर्ट करने का कोशिश करेगी। या फिर अगर आपके पास कोई टैंक है उसमें आप सिर्फ 2 पैरेट फिश रखे हो या फिर 3 पैरेट फिश रखे हो, इस केस में भी वो लोग ऑब्वियस है वो लोग एक दूसरे को हर्ट करने का कोशिश करेगी। इसलिए सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ढेर सारा हाइडिंग प्लेस। जितना ज्यादा हाइडिंग प्लेसेस होगा उतना ही फिशेस का आपको छुपने का जगह मिलेगा, जिससे कि फिशेस के बीच में जो फाइट वगैरह होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मेरे पास एक पैरेट फिश बहुत पहले से है, उसके बाद में कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद उसमें मैं एक और पैरेट फिश डाल रहा हूँ, तब क्या होता है पुरानी वाली जो पैरेट फिश होती है वो नई वाली को बहुत ज्यादा अटैक करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेट फिश जो होती है वो बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल होती है, मतलब वो लोग का एक एरिया होता है कि ये जो एरिया है ये मेरा एरिया है, यहाँ पर नहीं आना, तो उससे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है उस फिश के ऊपर। तो अगर आपका भी एक बहुत पुराना टैंक है जिसमें आपका एक पैरेट फिश बहुत पहले से, या फिर कोई भी फिश है उसमें आप कोई नया फिश ऐड कर रहे हैं और वो पुरानी वाली जो फिश है नई वाली में बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रही है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको पुरानी वाली पैरेट फिश को भी निकाल लेना होता है, टैंक का जो सेटअप है उसको कम्प्लीटली चेंज कर देना होगा और उसके बाद आपको दोनों पैरेट फिश को उसमें डालना। तो इससे दोनों ही पैरेट फिश को ऐसा लगेगा कि वो लोग दोनों ही एक न्यू प्लेस में आई हैं और इससे वो दोनों फिशेस का जो फाइट है वो कम हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, जो फिश बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है उसको एक जाल में पकड़ के टॉप में ही एक्वेरियम का छोड़ देते हैं 1 घंटा 2 घंटा तक, उसके बाद फिर वापस उसको एक्वेरियम में रिलीज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही सेम चीज करते हैं। मे बी ये चीज को ट्राई किया लेकिन मुझे इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। डालने के बाद फिर से वो जो फिश थी वो अपना एग्रेशन दूसरे फिश को दिखाती है, तो उसको जाल में सेपरेट करके रख देने से और फिर उसको डालने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होता है। एक चीज आप नोटिस किए होंगे, जब भी आप कोई पैरेट फिश या फिर कोई शेवरन फिश कोई फिश शॉप से खरीद के लाते हैं तो फिश शॉप के पास एक छोटा सा ही एक्वेरियम होता है, उसमें ही वो लोग बहुत सारी पैरेट फिश या फिर शेवरन फिशेस को एक साथ में रखते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो फिशेस जो एक दूसरे से फाइट नहीं कर रही है। लेकिन जब वो सब फिशेस को हम लोग अपने घर पे लेके आते हैं 2 या 3 पीस, तो हम लोग देखते हैं वो फिशेस एक दूसरे में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है और बहुत एग्रेसिव फाइट कर रही है। तो ऐसा क्यों? ये चीज मैंने नोटिस किया है, जब इस टाइप का फिशेस को आप बहुत कम क्वांटिटी में रखिएगा, जैसे कि 2 या फिर 3, तब आप देखिएगा ये फिशेस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। लेकिन वैसे ही अगर आप अपने एक्वेरियम में उस फिश का क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप 3 शेवरन फिश लेके आए हैं और वो तीनों शेवरन फिश जो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, ऐसे तो शेवरन फिश जो होती है वो सेमी अग्रेसिव होती है, लेकिन तब भी इन केस अगर आप 3 शेवरन फिश लेके आए, तीनों ही शेवरन फिश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और फिश को परचेज कीजिए, उसको अपने टैंक में डालिए, तब आप देखेंगे कि जो फिश का एग्रेशन है वो अब कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि
कि अगर आप ये सब फिशेस को कम क्वांटिटी में रखिएगा तो ये एग्रेसिव होगी, लेकिन वही अगर आप इसका क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि 4 या 5 कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इस सब फिशेस का अग्रेशन जो है वो कम हो गया है। और अगर आपका टैंक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो भी फिश आप लेके आए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फिश है उसको आप वापस फिश शॉप में जाइए और उसके जगह में कोई दूसरी फिश को ले लीजिए। फिश शॉप वाला बहुत इजीली वो फिश को एक्सचेंज कर लेगा। ये जो ऑप्शन है सबसे लास्ट ऑप्शन है। और इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग भी जरूर से अपना ओपिनियन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मुझे ही बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिल जाए, या फिर जो भी लोग मेरे वीडियोस में आते हैं सोल्यूशन के लिए वो लोग को उनका सोल्यूशंस मिल जाए। सो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अभी भी कुछ भी फिश रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको मेरा रिप्लाई जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा सारा ही वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।